हेलो फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के स्ट्रेस का सेट का टोपी देखेंगे कैसे बनता है। इसका टोपी हम इस तरह से बनाए हैं, दो कलर मिक्स किए हैं, साथ में जो ये डिजाइन हम डाले हैं उस डिजाइन को यहाँ पर हल्का सा दे दिए हैं, फिर इधर हम सिंपल बुनाई कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम 21 चैन ले लेंगे। इक्कीस चैन हम ले लिए। इसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। दोनों को आपस में जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद तीन चैन लेंगे, 1 2 3। अब हम प्रत्येक चैन से 21 जो हम चैन लिए हैं उसमें प्रत्येक चैन से हम डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का टोपी है। इस तरह से हमारा ये लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम इसे यहाँ आपस में जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद में एक चैन और ले लेंगे और धागा को हम हटा लेंगे। अब हमें यहाँ पर दूसरा कलर यूज करना है। ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरा कलर यूज करेंगे। यहाँ हम दूसरे कलर को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में चैन लेंगे, एक हम जोड़ते हुए एक चैन लिए, 2 3 तीन चैन ले लिए। अब इसके बाद देखिए हमें एक बार इतना ले लेने के बाद में 2 को हम गिरा लेंगे, फिर इस फंदे को भी हमें नहीं गिराना है। एक बार और हम बगल की चैन से एक बार और हम ले लेंगे। इसके बाद हमें ये दोनों को हम गिराए, अब हमारे पास 3 हो गया। 3 में से 2 को हम फिर एक बार गिराएंगे, फिर 2 को हम लास्ट में एक बार गिरा देंगे, ठीक है। अब फिर हम अगला चैन में हुक को डालेंगे। इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बीनेंगे। देखिए एक बार में एक चैन को गिराएं, एक फंदे को गिराएं, दूसरी बार में 2 फंदे को, और अच्छा यहाँ पर हमें
ये चीज़ बनाना है। जैसे यहाँ ये हम गिरा लिए, उसके बाद एक दो तीन, तीन चैन ले लिए। अब ये दोनों के अंदर से हमें इस तरह से फंदे को लेना है, लेते हुए इसे गिरा देना है, ठीक है। ये हमें प्रत्येक बार बनाना है। अब हम अगला चैन में से हुक को डाल के फंदे निकालें। अब एक फंदे एक बार, दूसरा दो बार, फिर तीसरा बार में दो बार, इस तरह से बिन लिए। फिर हम एक दो तीन, तीन चैन बिनने के बाद फिर इसी तरीके से हमें इसे गिरा देना है, ठीक है। अब ये चीज़ हम दो बार बिनेंगे। देखिए दूसरी बार भी हमें इसी तरह करनी है, एक बार में एक, दूसरी बार में दो, फिर तीसरी बार में दो। अब हम फिर एक दो तीन, तीन चैन लिए और फिर इसे हम इस तरह से बंद कर दिए। अब अगला हमें दो इस तरह से बिन लिए। अब हम अगला फंदे ले लिए, दो को हम एक बार गिराएंगे, इस चैन को हम अभी रहने देंगे फंदे को, फिर हम एक फंदे लेंगे और अगला चैन में हम हुक को डालेंगे, फिर दो को एक बार गिराएंगे, फिर दो को एक बार, फिर दो को एक बार, ठीक है। फिर एक दो तीन, और हमें ये चीज़ भी बना लिए। अब हम फिर, अब दो हमें बिल्कुल प्लेन करना है, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, तीन चैन ले लिए। अब हमें इसी तरह से इसे भी गिराना है, फिर एक बार और हमें बिनना है इस तरह, एक दो तीन, ठीक है। फिर एक दो तीन, तीन चैन ले लिए और फिर इस तरह से गिरा दिए। फिर हमें, अब हमें देखिए दो के बाद जो हम बुनते हैं वो चीज़ बिनेंगे, एक बार में दो, दो फंदे गिरा लिए, फिर फंदे लिए, अगले चैन में हुक डालकर फिर हम निकालेंगे, फिर दो को एक बार गिराएंगे, फिर दो को एक बार, फिर दो को एक बार, ठीक है। अब एक दो तीन, इसी तरह से बुनते हुए हम ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। हम अब हमारा लास्ट यहाँ है, ये इस तरह से बुन कर हम ले आए हैं। अब लास्ट हमें यहाँ पर जोड़ देना है, ये हम इस तरह से जोड़ दिए, ठीक है। फिर एक चैन हम ले लिए। अब हमें एक दो, दो चैन हो गया, दो के बाद फंदे लिए। फंदे लेने के बाद में देखिए इस तरह से हुक को डालना है, यहाँ से हम हुक को डालेंगे और यहाँ इस तरह से निकालेंगे, फंदे को इधर से हम निकालेंगे और निकालने के बाद एक बार, ठीक है। फिर हम फंदे को लिए, हमें पूरे फंदे को नहीं गिराए हैं हम, फिर एक बार और हम इस तरह से ले लेंगे, देखिए इस तरह से, फिर एक बार में दो, फिर एक बार में दो, फिर एक बार में दो, ठीक है। फिर फंदे को लेंगे और फिर इसी तरह हम एक बार में दो गिराएंगे और फिर इसी तरह से हम पूरा ये लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये चूंकि हम दो को एक साथ किए हैं इसलिए इसे हम एक ही साथ लेंगे।
अब हमारा और नहीं बचा है, एक लास्ट बचा हुआ था, इसे हम इस तरह बिन लिए। अब बिनने के बाद में इसे यहाँ पर लाकर हम जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ दिए। फिर एक हम बिन लिए एक चैन, फिर फंदे लेंगे, और फंदे लेने के बाद में देखिए हमारा इस तरह से गुलाई आ गया है। अब हमें चूँकि गुलाई को भी बंद करना है, अगर आप चाहती हैं नहीं बंद करना तो यूँ भी आप रख सकती हैं, लेकिन देखिए अगर जो चाहती हैं गुलाई को बंद करना तो वो कैसे करेंगी। फिर हम अगला चैन में इस तरह से डालेंगे और इसे भी हम निकालेंगे, फिर अगला में बुनेंगे। फिर अगला में बुनेंगे और इस तरह से अब हम पूरा, अब हमारे पास बचा दो, दो बचा तो अगला में हम डालेंगे इस तरह से और इसे बुनेंगे। फिर एक बचा है हमारे पास तो हम एक में भी इस तरह से डाल लेंगे और तीन बचा, तीनों को एक साथ गिरा देंगे, फिर एक हम इस तरह बुन लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उनको हम कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा बचा है इसे हम अंदर की ओर इस तरह से डाल लेंगे। एक और बचा रह गया यहाँ, कोई बात नहीं, इसे आप इस तरह से मिल सकती हैं। अंदर में हम इसे गांठ दे देंगे। अब इसे आप इस तरह से कर लें, इस तरह से आपका ये टोपी बनकर तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल इस तरह का देखने में लगेगा, बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टोपी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।